बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 17 जुलाई सन 2021 और दिन है हफ्ता का ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कल एक आर्टिकल आया था और उसमें कहा गया है कि जो हजरात भी डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर के जितने भी शोबे हैं, वो चाहे नर्स वगैरह हो, डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, तो उसको जो होटल की क्वारंटीना है वो नहीं करनी पड़ेगी और उनको अब अपने घर में क्वारंटीना करने की इजाज़त है। तो इसी हवाले से एक और चीज़ भी साथ में सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से कही गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ ओमान की तरफ से उनको 14 जुलाई को एक लेटर वसूल हुआ था जिसमें ये रायत देने के बारे में कहा गया था, जितने भी डॉक्टर हजरात आएंगे ओमान के अंदर एंट्री करके तो उनको घर की क्वारंटीना करना है, होटल की नहीं, और जितने भी रूल हैं वो लाजम दूसरे फॉलो करने हैं, जो ट्रैकिंग कड़ा है वो लाजम पहनना है। तो बाकी इससे पहले जो होटल की क्वारंटीना नहीं करनी थी वो ओमानियों को थी और अब ये सेकंड ग्रुप हो गया है डॉक्टरों का जिनको होटल की क्वारंटीना नहीं करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो ग्रुप होगा वो होगा फैमिलीज़ वगैरह, और साथ में ये भी कहा गया कि जितने भी डॉक्टर वगैरह और ये जितने भी इनके साथ फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, बच्चे वगैरह जो भी, इनकी टोटल फैमिली को ही इजाज़त है घर में क्वारंटीना करने की। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो फैमिलीज़, दूसरे आम लोगों की फैमिलीज़ आएंगी, जैसे ही एंट्री खुलेगी तो उनको भी घर की क्वारंटीना करने की इजाज़त होगी, जैसे पहले एक बार दी गई थी लेकिन बाद में कैंसिल कर दी गई। तो दुआ कीजिए कोविड-19 दुनिया से ख़त्म हो और हमारी रूटीन की ज़िंदगी जो है वापस दोबारा आ सके। तो मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी मालूमती वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।